हेलो नमस्ते, मैं हूं नेहा तिवारी और स्वागत है आपका द बिंज लिसनर्स में। और आज हम बात कर रहे हैं चाणक्य नीति के बारे में। चाणक्य नीति भारत के नालंदा विश्वविद्यालय के प्रख्यात शिक्षक, विश्व प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, कुशल रणनीतिकार और अर्थशास्त्री आचार्य चाणक्य द्वारा लिखित एक महान ग्रंथ है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि उस समय था। चाणक्य नीति में कुल 17 अध्याय हैं। यहां हम प्रस्तुत करेंगे चाणक्य नीति के चौथे अध्याय को। चाणक्य नीति चौथा अध्याय, नंबर 1। शरीरधारी जीव जब मां के गर्भकाल में होता है, तभी से उसकी आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु, ये पांचों चीजें निश्चित हो जाती हैं। नंबर 2। पुत्र, मित्र, सगे संबंधी साधु महात्माओं को देखकर दूर भागते हैं, क्योंकि उन्हें उनका आचरण मूर्खतापूर्ण लगता है। लेकिन जो लोग साधुओं का अनुसरण करते हैं, उनके अनुकूल आचरण करते हैं, उनमें भक्ति जागृत होती है और उनके उस पुण्य से उनका सारा कुल धन्य हो जाता है। नंबर 3। जिस प्रकार मछली दृष्टि से, कछुआ ध्यान देकर और पंछी स्पर्श करके अपने बच्चों को पालते हैं, वैसे ही अच्छे लोगों की संगति मनुष्य का पालन पोषण करती है। नंबर 4। यह नश्वर शरीर जब तक निरोग व स्वस्थ है या जब तक मृत्यु नहीं आती, तब तक मनुष्य को अपने सभी पुण्य कर्म कर लेने चाहिए, क्योंकि करने कराने का संबंध तो जीवन के साथ ही है और फिर मृत्यु हो जाने के बाद वह कुछ भी नहीं कर पाएगा। नंबर 5। विद्या कामधेनु के समान सभी इच्छाएं पूर्ण करने वाली है, जिससे सभी फल समय पर प्राप्त होते हैं। परदेश में विद्या माता के समान रक्षा करती है। विद्वानों ने विद्या को गुप्त धन कहा है, अर्थात विद्या वह धन है जो आपातकाल में काम आती है, क्योंकि इसका न तो हरण किया जा सकता है और ना ही इसे चुराया जा सकता है। नंबर 6। सैकड़ों गुण रहित और मूर्ख पुत्रों से अच्छा एक गुणी पुत्र है, क्योंकि एक चंद्रमा ही रात्रि के अंधकार को भगाता है, असंख्य तारे ये काम नहीं करते। नंबर 7। एक ऐसा पुत्र जो जन्म के वक्त ही मर गया था, एक मूर्ख दीर्घायु पुत्र से बेहतर है, क्योंकि मरा हुआ पुत्र तो केवल कुछ क्षण के लिए ही दुख देता है, परंतु मूर्ख पुत्र जीवन भर जलाता है। नंबर 8। अनुपयुक्त गांव में बसना, झगड़ालू स्त्री के साथ रहना, नीच व्यक्ति की सेवा करना, अस्वास्थ्यवर्धक भोजन का सेवन करना, मूर्ख पुत्र और अपनी कन्या का विधवा होना, ये 6 बिना अग्नि के भी शरीर को जलाते हैं। नंबर 9। उस गाय से क्या लाभ जो ना बच्चा जने और न ही दूध दे। ऐसे पुत्र के जन्म लेने से भी क्या लाभ जो न तो विद्वान हो, न अपने माता पिता की सेवा करे और न किसी देवता का भक्त हो। नंबर 10। इस संसार में दुखों से दग्ध प्राणी को 3 बातों से ही सुख शांति प्राप्त हो सकती है, अच्छी संतान से, पतिव्रता स्त्री से और सज्जनों की सत्संगति से। नंबर 11। राजा लोग एक ही बार आज्ञा देते हैं, विद्वान लोग किसी कर्म के लिए एक ही बार बोलते हैं, बार बार श्लोक नहीं पढ़ते। कन्याएं भी एक ही बार दान में दी जाती है। ये 3 एक ही बार होने से विशेष महत्व रखते हैं। नंबर 12। जब आप तपस्या करते हैं तो अकेले करें, अध्ययन करते हैं तो 2 के साथ करें, गायन करते हैं तो 3 लोग करें, यात्रा 4 के साथ करें, कृषि कार्य 5 लोग करें और युद्ध अनेक लोग मिलकर करें। नंबर 13।
पत्नी वही अच्छी है जो पवित्र और पतिव्रता है, जो मन वचन और कर्म से एक जैसी है, जिस पर पति का प्रेम है और जो सदैव सत्य बोलती है। नंबर 14, बिना पुत्र के घर सूना है, बिना बंधु बांधवों के सारी दिशाएं सूनी है, मूर्ख का हृदय भावों से सूना है, दरिद्रता सबसे सूनी है, अर्थात दरिद्रता का जीवन महाकष्टकारक है। नंबर 15, बार बार अभ्यास न करने से विद्या विष बन जाती है, बिना पचा भोजन विष बन जाता है, दरिद्र के लिए स्वजनों की सभा और वृद्धों के लिए युवा स्त्री विष के समान होती है। नंबर 16, जिस व्यक्ति के पास धर्म और दया नहीं है उसे छोड़ दो, जिस गुरु के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है उसे छोड़ दो, जो पत्नी झगड़ालू और क्रोधी है उसे छोड़ दो, और जिन रिश्तेदारों के पास प्रेम नहीं उन्हें छोड़ दो। नंबर 17, बहुत ज्यादा पैदल चलना मनुष्यों को बूढ़ा बना देता है, घोड़ों को एक ही स्थान पर बांधे रखने से वे बूढ़े हो जाते हैं, स्त्रियों के उसके पति के साथ प्रणय अर्थात संभोग नहीं करने से वे बूढ़ी हो जाती हैं, और वस्त्रों को लगातार धूप में डाले रखने से वे पुराने हो जाते हैं। नंबर 18, बुद्धिमान व्यक्ति को बार बार यह सोचना चाहिए कि हमारा समय कैसा है, अच्छा है या बुरा, हमारे मित्र कितने हैं, हमारा निवास स्थान कैसा है, सुखद अनुकूल अथवा विपरीत, हमारी आय और व्यय कितनी है, मैं कौन हूं, आत्मा हूं अथवा शरीर, स्वाधीन हूं अथवा पराधीन, तथा मेरी शक्ति कितनी है। नंबर 19, जन्म देने वाला पिता, अंतिम संस्कार कराने वाला बेटा, विद्या देने वाला गुरु, अन्नदाता और भय से रक्षा करने वाला, ये 5 पितर माने जाते हैं। नंबर 20, राजा की पत्नी, गुरु की स्त्री, मित्र की पत्नी, पत्नी की माता अर्थात सास, और जन्म देने वाली अपनी माता, ये 5 माताएं मानी गई हैं, अर्थात इनका सम्मान माता के समान करना चाहिए। नंबर 21, अग्निदेव ब्राह्मणों क्षत्रियों और वैश्यों के देवता है, ऋषि मुनियों के देवता हृदय में है, मंद बुद्धि वालों के देवता मूर्तियों में है, और सारे संसार को समान रूप से देखने वालों के देवता सभी जगह निवास करते हैं। तो ये था चाणक्य नीति का 4th अध्याय, चाणक्य नीति के 4th अध्याय की सीख। आचार्य ने 4th अध्याय में बताया है कि मनुष्य जन्म के साथ ही निश्चित कर्मों के बंधन में बंध जाता है। मनुष्य जब तक जीवित है तब तक उसे पुण्य करते रहना चाहिए, क्योंकि इसी से उसका कल्याण होता है। विद्या बुद्धिमानों का गुप्त धन अर्थात कामधेनु के समान है, क्योंकि जिस तरह कामधेनु से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, उसी प्रकार शिक्षा ग्रहण करने से मनुष्य अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। इस संसार में दुखी लोगों को अच्छी संतानें, पतिव्रता स्त्री और सज्जनों से ही शांति मिलती है। जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसे इस प्रकार करना चाहिए, जैसे कि तपस्या अकेले करनी चाहिए, मिलकर पढ़ना चाहिए, और संगीत खेती आदि कार्य जितने हो सके सहायकों के साथ करने चाहिए। अगर आप पढ़ते हैं तो अभ्यास जरूर करें, क्योंकि बिना अभ्यास की विद्या विष के समान होती है। हमें किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। हमें ऐसे लोगों को त्याग देना चाहिए जो दयाहीन, मूर्ख, क्रोधी स्वभाव के और प्रेम रहित हो। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अगर ना हो तो वे खराब हो जाती हैं, जैसे ज्यादा यात्रा करना, स्त्रियों की काम तुष्टि न होना और कपड़ों का अधिक समय तक धूप में रहना। मनुष्य को अपनी उन्नति के लिए चिंतन करते रहना चाहिए,
कि समय किस प्रकार का चल रहा है, मित्र कौन और कितने हैं, खुद में कितनी शक्ति है। बार बार किया गया ऐसा चिंतन मनुष्य को उन्नति के मार्ग पर ले जाता है। और अंत में उन्होंने कहा है कि जो सारे संसार के प्राणियों को एक जैसा देखते हैं, उनका देवता सर्वव्यापक स्वरूप है। कुछ जरूरी नोट। चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य द्वारा स्त्री विशेष, जाति विशेष और धर्म विशेष के लिए कहे गए कुछ सूत्र वर्तमान समय के संदर्भ में इतने सही प्रतीत नहीं होते हैं। ये कुछ लोगों को बुरे भी लग सकते हैं, क्योंकि ये नीतियां आचार्य चाणक्य के समय में हुई घटनाओं और उनके पूर्वानुभवों पर आधारित है। हमने उनके विचारों को ठीक वैसे ही प्रकाशित किया है जैसा आचार्य चाणक्य ने लिखा था। ऐसे ही मजेदार और अच्छे कंटेंट के लिए हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल द बिंज लिसनर्स को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी विषय के बारे में जानना और सुनना पसंद करते हैं, या आप भी कुछ अच्छा लिखते हैं और चाहते हैं कि हम उसे हमारे चैनल द्वारा प्रस्तुत करें, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।